वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। और आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की लास्ट वीडियो, जो कि पार्ट 3 रहने वाली है। इससे पहले कि मैंने काफी सारे पार्ट्स कवर कर लिए हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वापस आते हैं इसी वीडियो के ऊपर। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये 3 प्रिंसिपल्स जो कि होंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल और मैचिंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले रेवेन्यू रिकॉग्निशन से शुरू करते हैं। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल कहता है कि एक बिजनेस के अंदर रेवेन्यू और रिसीट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आप कहोगे रेवेन्यू का भी मतलब होता है पैसे आना, इनकम अर्न होना, और रिसीट का भी मतलब है पैसे आना, इनकम अर्न होना, तो क्या फर्क है दोनों में? तो फर्क इतना सा है कि सपोज करिए आपने आज एक डील क्रैक करी, आज है 4 मार्च और वो डील है 10 लाख रुपए की, और आपने ठप्पा लगा दिया कि भाई मैंने 10 लाख रुपए में माल बेच दिया। तो अब जरूरी नहीं है वो माल के 10 लाख रुपए आ ही गए आपके पास 4 मार्च को, लेकिन ये डील तो आपने क्रैक कर ली है, ये सेल्स तो आपने कर ही दी है, चाहे ये सेल्स जो है ये अभी क्रेडिट ही हुई है, अभी यानी कि उधार पे ही करी, आपने माल बेच दिया है, ठीक है, डील हो गई है, लेकिन पैसे नहीं आए उसके, तो रेवेन्यू हो गया है, आपने इनकम का सोर्स बना लिया, आपको पता है पैसे आ ही जाएंगे 3 महीने 6 महीने, भले ही उसके पैसे जो हैं वो 14 जनवरी अगले साल आए, लेकिन जब तक वो पैसा नहीं आया क्या आप अपनी बुक में उस सेल को रिकॉर्ड नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो यही कहता है ये प्रिंसिपल कि जिस दिन आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ भाई मेरा 10 लाख का माल बिक गया है, अब ये माल उठा लेगा 4-5 दिन में और पैसे मेरे 8-10 महीने बाद आ जाएंगे, वो जब भी माल उठाएगा या पैसे आएंगे उससे आपको लेना देना नहीं है। रिसीट का मतलब होता है द डे व्हेन योर कैश इज इन योर हैंड, कि जो पैसा गया 10 लाख था वो मेरे हाथ में आ गया है, वो दिन होता है रिसीट, कि पैसे रिसीव हो गए। लेकिन रेवेन्यू का मतलब होता है जिस दिन आपके डील हो गए, आपका माल बिक गया। तो ये है फॉर रेवेन्यू का दिन, और हमें अपनी बुक्स में हर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जिस दिन हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया है, यानी कि हमारी डील हो गई है, राइट? चाहे वो सेल की हो, चाहे वो किसी चीज की हो, चाहे किसी भी आइटम, कोई भी ट्रांजेक्शन है जिसमें हमारा एक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया है, वो दिन वो ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है अपनी बुक्स में, राइट? तो यहाँ पर एक और प्रिंसिपल है जो आने वाली क्लास में हम देखेंगे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूअल बेसिस। तो मोस्टली जो है अकाउंटिंग अक्रूअल यानी कि क्रेडिट और कैश दोनों पे चलती है, ना कि सिर्फ कैश पे, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। ये है आपका डुअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस है। और डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल जो है वो अपने आप में कहता है कि हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी 2 आउटकम होते हैं। मतलब कि अगर सपोज करिए आप 1 लाख रुपए बिजनेस में ले आए, ट्रांजेक्शन एक है, लेकिन ये 2 अकाउंट को हिट करेगा। पहला, आप कैश लेकर आए, आपका कैश बढ़ जाएगा, और दूसरा, वो जो कैश है उसे आप कैपिटल की तरह शो करोगे और आपके कैपिटल अकाउंट पर भी इंपैक्ट आ जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट भी 1 लाख रुपए से फर्म बढ़ा हुआ दिखाएगी। तो आपने ट्रांजेक्शन एक करी, आप लाख रुपए लेकर आए, लेकिन 2 अकाउंट पे हिट हुआ है, 1 अकाउंट की एंट्री डेबिट में जाएगी और 1 अकाउंट की एंट्री क्रेडिट में जाएगी, और इसी को हम कहते हैं डबल एंट्री ऑफ अकाउंटिंग, इसी को हम लोग जर्नल के थ्रू शो करते हैं, ठीक है ना? तो डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि बिजनेस के अंदर हर चीज के डबल इंपैक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, ठीक? आने वाली क्लासेस में जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखेंगे तब आपको और भी अच्छी सी चीज समझ आएगी। आगे बढ़ जाते हैं हमारे लास्ट प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक बिजनेस के अंदर आपको असली एग्जैक्ट प्रॉफिट एसर्टेन करना है, तो उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, आपका रेवेन्यू अर्न और उसमें से आपके जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसको आप जब माइनस कर दोगे तो आपके एग्जैक्ट प्रॉफिट एसर्टेन हो जाएगा। तो आपके उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपके सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस से मैच होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए, मैच होने चाहिए। यानी कि अगर आपकी कोई इनकम आई है, कोई सेल हुई है, तो उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है, जो लेबर है, जो सारी चीजें हैं, वो भी एक्सपेंसेस जो है वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में मैच होने चाहिए मेजरली, तभी हम एग्जैक्ट उस साल का प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो यही कहता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल कि हमारे सारी इनकम और सारे खर्चे जो है वो एक अकाउंटिंग पीरियड में मैच होने चाहिए, तभी हम जो है असली प्रॉफिट या लॉस उस अकाउंटिंग पीरियड का कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा था, नाम से पता चल रहा है मैचिंग प्रिंसिपल है। बाकी डुअल एस्पेक्ट भी बच्चों को अब तक 3 महीने हो गए आपको 11th में आए हुए, अब तक आपको ये बात समझ आ जाती है कि हर इक्वेशन की डबल एंट्री होती है, डेबिट और क्रेडिट का इम्पैक्ट जाता है। बस बच्चे जो फंसते हैं वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में फंसते हैं। तो ये अगर आप अपना थ्योरी पेपर देने जा रहे हो चैप्टर 3 का, तो ये वाला प्रिंसिपल हो गया, कंजर्वेटिज्म हो गया, इस पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके रखना है। बच्चे भूल जाते हैं कि ये वाला क्या था, दोनों में कंफ्यूज बड़े जल्दी रहते हैं और गलत चीज लिख कर आ जाते हैं। ठीक है ना, तो जितनी चीजें मैं आपको दे रही हूँ इतना ही इनफ है। आई थिंक आपका अगर कोई भी यूटी है, कोई पेपर है, तो आप आराम से मेरी वीडियोस देखकर जाइए, आपके बिना पढ़े ही बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। राइट, बस जितनी भी चीज मैं समझा रही हूँ आपको 100% उसे ग्रैप करनी है। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।